गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। एक एग्जाम था, कॉलेज गया था आज। क्या जबरदस्त गाना लग गया तूने। तो ये देखिए, ऐसे टीना ने मेरे को एक सवाल पूछा, मुझे तो नहीं पता क्यों रखा तूने, बट ये फ्रेंड्स सोने का हो गया टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज चैनल फ्लैग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की, और आज की शुरुआत हो रही है ब्लॉग की एग्जैक्टली पूजा के बाद। 7 बज चुके हैं और हमारी एकदम मस्त सी पूजा हमने कर ली, और आपको भी दर्शन करा देता हूँ माता रानी के। ये देखिए, बोलो जयकारा शेरा वाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय। ये हमारे जौ भी उग गए हैं और हमारा अखंड दीप चल रहा है, और ये हमने अभी जस्ट पूजा करी है। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो और आज का मैच अगर आपने देखा ही होगा, कैसा स्कोर चल रहा है, खतरनाक। 40-0 पाकिस्तान अच्छा खेल रही है, 40-0 चल रहा है पाकिस्तान। चेज हो जाएगा, चेजिंग लग रहा है क्योंकि। चलो पापा बैट लगाते हैं, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान चेज कर लेगी। लग रहा है मेरे को क्योंकि बैटिंग पिच है ना, तेरे को क्या लग रहा है? पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 345 या 340 चेज किया था। अभी देखते हैं, डिपेंड करेगा कि कितना स्कोर बनता है, लेकिन मैच जो है जबरदस्त चल रहा है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ सुबह से, और ये हमारा भाई इधर है। तो येलो दाल का तो मैंने बोल दिया तेरे को, उड़द छिलका। उड़द छिलका भी येलो आदि, उड़द छिलका या येलो दाल? उड़द छिलका। यस 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 यस, yes. दो दो वोट हो गए हैं उड़द छिलका को, एक गया है वोट अरर को। टीना डिसाइडर। एक्चुअली ना मेरे को उड़द छिलका पसंद है ना पीली दाल, तो दाल ही नहीं। अब जो तेरे को पसंद है वो बना। चल ऐसा बोल रहे जैसे मैं 50-56 तरह की दाल डिसाइड करने के लिए। अगर रैम्बो ने ये वाला हाथ दिया तो येलो दाल, ये वाला हाथ दिया तो उड़द छिलका। चल ठीक है, कौन रैम्बो? रैम्बो है चिक। उड़द छिलका ये मेरे को नहीं देता हाथ, पता मेरे को क्यों नहीं देता हाथ? आप करो, आप बोलो। देखो ये है ना, ऐसे तू करना तू। अरे ऐसे नहीं, बिना उसके करना नहीं, वो ऐसे भी बड़ा अच्छा। अब उसने देख लिया ना, देख लिया उसने। राइट में बोल रहा है, राइट में निकला खुशबू निकाल के एकदम। चल हट यहाँ से, अब मेरे को बैठने दे। इधर ले, चलो उठ। क्या बना रही फिर? चलो ही देखती हूँ क्या। अब टीना पे छोड़ दिया हमने, क्या बना? मेरे को ऐसे ना समझ में नहीं आता, जब फिर तुम लोगों के दिमाग से बनाओ ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने तो सुबह से उड़ा छिलका बोला है, तो अभी ये के चक्कर में कंफ्यूज हो गया। उसको दाल खिला देना। एक एग्जाम था, कॉलेज गया था आज। कितने महीनों बाद गया? महीनों बाद गए, इंटर्नशिप में लगे पड़े हैं। इंटर्नशिप नहीं है, हैं? हिसाब से लेके पहला पावर से विकेट कोई नहीं गवाए। वेट बाबा, देखना है। वेट 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 देखेगा नहीं है। वेट वेट नहीं खा रहा। वेट वेट वो वेट कह रहा है ना, वेट कह रहा है इसके लिए। वेट करना है वो बोलेगा तो खा लेगा। आपके पास ये ना रिमोट कहाँ है वीर? अच्छा म्यूट बोल रखा है इसलिए नहीं खा रहा। ओ भाई साहब, ओ डरा डरा टेस्ट कर रहा है। अब दे दे। वेट 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 चाट चाट के तो खा लिया पूरा। गो, वेरी गुड। क्या जबरदस्त गाना लग गया तूने। मुझे बुलाया शेरा वाली है, मुझे बुलाया शेरा वाली है। मैं आया गजब का गाना, गजब भजन, गजब। चलिए हमारा किना ने सुन ली, और उड़द छिलका इसको हिलाना है क्या? सुन ली मतलब तू वो बनाने वाली थी ना ऑर्डर की दाल। क्या है खर्ची, क्या है दाल डाल दू इसमें? दाल ही डाली उसने। तो आलू डाले। ओ आलू दम आलू बना रही तिन्नी, आलू के गुटके। तो हो गया, कहाँ रखते उसको? तो ये देखिए, ऐसे आलू काट के बस ये बन जाएगी सब्जी ऐसे आराम से बस। नहीं आलू हमने ऐसे भी पका दिए, मतलब गरम कर दिए, उबाल दिए, ये मसाले में थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर दो, और टन टन सब्जी तैयार। आजकल ना ऐसा सादा खाना ही खाना चाहिए, शरीर के लिए बेस्ट है।
चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं अपना खाना फर्स्ट क्लास। ये देखिए हमारी उड़द छिलका दाल गर्म हो रही है बहुत ज्यादा, और ये आलू के गुटके, और ये हमारी मंडवे की रोटी, मिक्स रोटी इनफैक्ट, मनवा भी है और गेहूं भी है, दोनों मिक्स है। टीना ने मेरे को एक सवाल पूछा है, अभी आपको अगर इस सवाल का जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। अभी उसने यहाँ से दाल और सब्जी उठाई है, और दाल जो है वो रखी है उसने स्टील के डोंगे में, और देखो इसको पता चल जाता है तुरंत, इसने ना अपनी मुंडी उठाई, जा रैम्बो बाय बाय जा, तुरंत पता है इसको, तुरंत पता चलता है। मतलब मैं बात कर रहा था, इसने एकदम गर्दन उठाई, मैंने कैमरा इसकी तरफ किया नहीं, लेकिन देखा तो प्रदीप लेने के लिए आया। तुझे तो नहीं पता क्यों रखा तूने, बट तू बता तेरा क्या कारण है। खुद बताओ। एक तो आलू को गर्म करना हो तो उसके लिए दाल को भी करना पड़ेगा गर्म, वैसे तो है गर्म करना हो मतलब। लाइट नहीं आ रही बिल्कुल, एकदम अंधेरा आ रहा है। क्या क्या है रीजन, क्या है रीजन? अरे बता देना, मुझे नहीं पता भाई, मैं अपनी दिमाग चलाना अपना। लोगों से पूछा था पहले, उनको बता, मैं तुमको बताती, बंद करो कैमरा। अच्छा हाँ, ये बात सही है। टीना ने कहा कि सब्सक्राइबर से पूछा तो लेट देम कम। अगर आपको ये पता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा था। ये देखो, ये जो है इसने आलू की सब्जी इसमें रखी है और दाल इसमें रखी है। अब ये पूछ रही कि आलू की सब्जी इसमें क्यों रखी है और दाल इसमें क्यों रखी है। अगर आपको ये अंतर पता है तो जरूर बताइएगा। मैं कैमरा ऑफ करके टीना से पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, और अगर आपने सही बताया तो फिर हम आपको कमेंट पे रिस्पॉन्स करेंगे। दाल की सब्जी खा लेना, दाल आलू की सब्जी तुम्हारे लिए। प्रिय फ्रेंड्स, सोने का हो गया टाइम, आज ज्यादा कुछ व्लॉगिंग हम कर नहीं पाए, जो भी किए आपको व्लॉगिंग करिए, मत छेड़ भी उसको, बिस्तर लगाओ, चलो रैम्बो सोने के लिए, चलो जाओ, चलो ये फ्रिज में रख दो खाना, चलो चलो रैम्बो जाओ, चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन। एसी बंद है, सब बंद है यहाँ तो, सब बंद है, चलो चलो चलो। चलिए गाइस, सोने का हो गया वक्त, पाकिस्तान खोल दूँ, ओके चलिए जाली भी फटाफट बंद करते हैं, और ये यहाँ से सामने देखिए गरबा की लाइट भी नीचे बंद हो चुकी है, और धूल कितनी उठ रही है ऐसे, चलो बंद हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और अगर आप इसमें पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी भी 65% लोग ऐसे हैं जो व्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उसको कर ले जरूर। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।